अल्लाह पाक की किस्म अगर मैं यहाँ से निकलूंगा क्योंकि यहाँ तो, तो काम कुछ नहीं करता यार तो कौन सा काम करता यहाँ मुझे पटवारी की जरूरत है मगर यहाँ पटवारी है नहीं मुझे एक ढील बाहर से निकलता दूसरा झील यहाँ से निकलता पता नहीं क्या करता है क्या करेंगे हम मुझे छह बेटी है देखो यार ये कुछ दस्तख करना है इसका मुझे पता नहीं क्या करूंगा हम कहा से मैं जाऊंगा किस नीचे दरवाजे खट कराऊंगा मुझे पता नहीं कहाँ से पटवारी है कुछ ना कुछ करो यार मेरे लिए जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन का गैर महीना हड़ताल वादी के हर अजला में बदस्तूर जारी है लोग कहीं ना कहीं इस हड़ताल से काफी ज्यादा परेशान है जम्मू कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ जिला बाडीपुरा में भी पटवार एसोसिएशन का इस महीने की तारीख गैर महीना हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज के के इलाकों से हुए पटवारी और, और, और जायज मांगों को पूरा किया जाए जो कि न सिर्फ इनकी बल्कि आम लोगों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए सामने रखी गई है इस सिलसिले में सदर पटवार एसोसिएशन बात फराहम करते हुए कहा कि पटवार एसोसिएशन की जानब से ये मांगे सरकार के सामने साल 2017 में रखी गई थी और उस वक्त की सरकार ने इन मांगों को जायज ठहराकर दस्तावेजी अमल भी शुरू किया था ताहम वो फाइल एक दस्तखत न होने के बाद सेक्रेट में अल्तवा में पड़ी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब भी उन्हीं पटवारी हल्कों की हदबंदी मौजूद है जो आज से कई दहाइयों कबल लारन साहब ने तरतीब दी थी उन्होंने कहा कि आबादी और काम के बोझ के बढ़ने के बाद एक पटवारी इतने बड़े हलके या इसमें रहने वाले अफराद के साथ इंसाफ नहीं कर सकता जबकि दूसरी मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर हलके में पटवार खाना तमीर करने की अशद जरूरत है ताकि आम लोगों को तहसील या दीगर जगहों पर जाने के बजाय अपने हलके में ही पटवारी की सहूलियत मयसर हो सके उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर में भी नायब तहसीलदारों के लिए पढ़े लिखे पटवारियों और गिरदावरों के लिए पिछहत्तर फीसद कोटा रखा जाना चाहिए जबकि पटवारियों के ग्रेड पर भी नजरसानी की जरूरत है इनका कहना है कि जब तक कि ना इनकी ये देरी ना मांगे पूरी की जाएंगी इनका हड़ताल बदस्तूर जारी रहेगा उन्होंने कहा कि हम शौक से हड़ताल नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें इसके लिए मजबूर किया गया है जी पहले हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे तशरीफ लाए जो हमारी डिमांड है वो 2017 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं कि आपकी डिमांड जनवन है 2017 से हम इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और बार बार हम हड़ताल पे जा रहे हैं हमने लास्ट हड़ताल हमने अगस्त में अगस्त में किया है जो टोकन स्ट्राइक तीन दिन की थी जो हमारी मेन डिमांड्स हैं उसमें है, उस है क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल्स एंड रेसनलाइजेशन ऑफ पठवार खानाज़ जो हम लारन्स साहब ने जो पटवार खाना बनाए थे पटवार हल्काज गिरदावर सर्कल्स बनाए थे अभी वही के वही हैं हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं देखो हमारे नए डी सी ऑफिस बन गए हैं बारामूला को बांडीपुरा बन गए हैं नए नए तहसीलस बन गए हैं नए नए नयाबत्स बन गए हैं हम उसी लिहाज से हम भी चाहते हैं कि जो बेसिक यूनिट हैं जो पटवार हल्का हैं जो गिरदावर सर्कल हैं उनको भी बढ़ाया जाए तो उसमें से क्या होगा उसमें लोगों को भी फायदा होगा और हमारे भी हम पे भी जो काम हम पे बोझ बढ़ रहे हैं वो भी कम हो जाए और दूसरी डिमांड है हमारी ग्रेड पे की जो 2013 को ग्रेजुएट पटवारीज को ग्रेड पे 2000 थाउजेंड की ग्रेड दी गई थी लेकिन दो तीन दिन में उसको करेंट जन्म निकाला गया उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि जो ये डिमांड है ये उनकी जेनवन है तब से अब तक वो फाइल सेक्रेट में पड़ी है फाइनेंशियल कंफ्रेंसेस ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गए एक सिग्नेचर की जरूरत है उसमें हो गई है और हम एंटी कोटा या तो हम डायरेक्टर रिक्रूटमेंट वो बंद करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को जो यहाँ पे क्वालिफाइड है और ट्रेनड पर्सन है उनको एंटी लगाया जाए अगर नहीं एटलीस्ट हम जिस तरह के यूटी लद्दाख में हैं वहाँ पे 70 परसेंट डिपार्टमेंट को दिया गया 25 परसेंट दिया है डायरेक्ट को हम भी वही चाहते हैं वही रेशो हम यहाँ भी चाहते हैं यहाँ पे भी क्या है फोर्टी फिफ्टी या फिफ्टी सिक्सटी हम क्या चाहते हैं हम सेवेंटी फाइव चाहते हैं और हम चाहते हैं कि टाइमली डी जो हमें हर गिज़ यहाँ पर नहीं होती हैं हम चाहते हैं कि टाइमली डीपीसी होने चाहिए टाइमली डीपीसी आप सी टाइमली डीपीसी आप सी टाइमली डीपीसी आप सी ऑफ एंटीज यह हमारी मेन डिमांड्स है हम चाहते हैं कि लोगों को हमारी तरफ से कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए लेकिन बदकस्मती से जब हमारी डिमांड पूरी नहीं होते हैं हम चाहते हैं कि जहाँ पे तीन पटवारी इस वक्त काम करने चाहिए उसमें एक पटवारी है एक पटवारी को दो दे हल्के हैं हमारे से इंसाफ नहीं होता है हम लोगों की के लिए लोगों के बल्ला के लिए कर रहे हैं कह रहे हैं कि इसमें और पटवारी को एडजस्ट कीजिए और नए हल्के बनाए और नए सर्कल्स बन जाए क्योंकि लोगों को लॉन्ग रन में उनको इंसाफ मिल जाए वो हमारी मेन डिमांड है ये इनडिफिनट है मैंने पहले भी कहा था हमने पहले टोकन स्ट्राइक दी थी ये इनडिफिन स्ट्राइक है जब हमारी जो जुलमा किराम साहब बैठे हैं वहाँ पर तो तो ये स्ट्राइक है तो उसको हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द जल्द हमारी मांगों को पूरा करें ताकि हम भी हड़ताल खत्म करें हमें हड़ताल पे हम शौक से नहीं बैठे हम किसी लिहाज से हड़ताल पे हम शौक से नहीं बैठे इधर तहसील ऑफिस बांडीपुरा में लोगों की एक बड़ी भीड़ भी देखी गई जो दूर दराज के इलाकों से मुख्तु दस्तावेजा तैयार करने के सिलसिले में आए थे पटवारियों की हड़ताल की वजह से वो या तो इंतजार कर रहे थे या फिर मायूस होकर अपने घरों को लौट रहे थे पटवारियों की इस मुसलसल हड़ताल की वजह से आम लोगों को गुना गु शिल का सामना है जी मैं सुमलर से आया हूँ पटवारी के पास आया था तो तो पटवारी नहीं, नहीं मिला सर आज दो तीन दिन से आ रहा हूँ पटवारी है नहीं है बोला इलाके का पटवारी है वो यहाँ पे होता ही नहीं है आज तीन दिन से आ रहा हूँ

मेह थ थोट पटवर सदस्य दस्खत कर फार्मे वज त्रे दूंकि बहुत अरीबा मुस्तक इंसान मेज मोजूर मजूर तो बाजे बनाना बाजे से बना कफ दौर से चलान मगर चूंकि युवर नीचे छान गिंदा चूंकि पटवर्य इंतजार करी वफन की पटवर्स इंतजार कहान मगर पटवर् चूंकि ये एज पर् डिटी क yetes present çünkü agar as reform diye badal tika diye asoins kaks adjust kar asas kasa lakh lakh şükür kar kaç as ki kal pe ak çakar karun sabas me vay tas trezo pakan çünkü bajit şam söy meş mumuli kaks da as şam adjust karun am kadar şu darf dar अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि सरकार का रुख किस तरफ होगा एक तरफ से हजारों लोग इस हड़ताल की वजह से परेशान हो रहे हैं और दूसरी जानब पटवारी और गिरदावर साल 2017 से अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं जो पटवारी और गिरदावरों के बकौल कहीं ना कहीं जायज मांगे भी है और आवाम की फलाह बहबूद की ही मांगे हैं अब आने वाले वक्त में यही देखा जाएगा कि हड़ताल कब तक खत्म की जाएगी और हजारों लोगों को कब तक फायदा दिया जाएगा और साल दो से जिस तरह से पटवारी और गिरदावर अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं वो कब तक पूरी की जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बनने के लिए बाडीपुरा से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनाम हक की रिपोर्ट